अब 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है वो आपको बता देते हैं। घोसी में सुबह 9 बजे तक 13.46% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 14.37% मतदान हुआ। देवरिया में 9 बजे तक 12% मतदान हुआ है। तो सुबह 9 बजे तक आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कहां पर कितना मतदान हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि पहले कुछ चरणों के मुकाबले इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। अब ये परसेंटेज आपके सामने, घोसी में 13.46% मतदान हुआ है, महाराजगंज में 14% के आसपास वोटकास्ट हुआ है। इसके अलावा आगे उम्मीद है कि शाम तक ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई यही आज अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप घर से बाहर निकलिए और वोट कास्ट जरूर कीजिए। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है, आप जहां रहते हैं उस सीट पर आज वोटिंग हो रही है, तो कृपया मतदान जरूर करें। यह आपका अधिकार भी है और साथ ही आपका कर्तव्य भी है। और चलिए, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजेश जी जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अब चलिए राजेश जी, एक बार फिर से आप ही के पास में मैं आऊंगी कि बीजेपी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी जहां पर 2019 में मार्जिन बहुत कम था, वहां के लिए आप कह रहे हैं जीत होगी, तो प्लानिंग क्या है? इसके अलावा इस बार गठबंधन में बदलाव हुआ है, बीएसपी के कैंडिडेट भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो हम अपने कार्यक्रमों को लेकर के, विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरी बात, हम समीकरण की करें तो समीकरण देखिए, लगभग कम से कम 13-14-15% तक वोट हर लोकसभा क्षेत्र में बीएसपी का अब तक आता रहा है। तो वो पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ था, ओम प्रकाश राजवर्धन जी उनके साथ थे, तो ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीएसपी इनके साथ नहीं है। जिन सीटों पर हम कम अंतर से जीते थे वहां लाखों वोटों से जीतने वाले हैं, क्योंकि बीएसपी इनसे निकल गई। बीएसपी होती तब उसके बावजूद भी हम 13 में से 11 सीट जीते थे। और ओम प्रकाश राजवर जी का बड़ा प्रभाव है, उस प्रभाव का भी हमको, हमारे गठबंधन को लाभ मिलने वाला है। तो ये जो 13 सीटें जीतेंगी, और जनता ये जानती है कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता, गरीबों का भला नहीं कर सकता। गरीब का भला वो ही कर सकता जिसने गरीबी को झेला होगा, जो गरीबी में जिया होगा, जिसने अभावग्रस्त जीवन जिया होगा। और सब तो सारे राजकुमार हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी होंगे, चाहे अखिलेश यादव जी होंगे, सब तो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए। अपने पारंपरिक जो इनका परिवार है, जिस तरह से राजा महाराजा अपने बेटे को युवराज सौंप करके जाते हैं, कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि राजघराने से आते हैं। अब अगर आप ये बात करें तो सवाल तो उठेंगे आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है ये प्रधान का चुनाव नहीं है। लोग 5 साल के लिए देश का भविष्य हाथों में दे रहे हैं, तो कैसे व्यक्ति के देंगे? ये तय है क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या केजरीवाल बन सकते हैं? ममता बनर्जी बन सकती है? गठबंधन में कौन बनेगा लालू यादव के? सारे के सारे जितने लोग हैं ये महागठबंधन वाले ये सब अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। अब अखिलेश यादव जी को लीजिए, 5 यादवों को दिया है, पांचों के पांचों उनके परिवार के लोग, पत्नी, भाई, चाचा का लड़का, सब, मतलब कोई दूसरा यादव इस उत्तर प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये सोचनीय विषय, इन बातों को जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, इनके बहकावे में थोड़े ना आने वाली है। अब देखिए, काशी में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अजय राय जी को, एकदम जमाना जब्त होने वाली है इनकी, जमाना जब्त होने वाली है, कोई सीट ऐसी नहीं। गाजीपुर में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कई सारी बातें कही हैं राजेश जी आपने, इन सभी बातों का जवाब मैं अशोक यादव जी से ले लेती हूं। अशोक जी, कई सारी बातें कही गई राजेश जी की तरफ से, उन सभी बातों का आप जवाब भी दीजिएगा, और साथ ही ये कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से या फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जब बूथों पर जाके जनता से बातचीत की जाती है, उन मुद्दों का उतना जिक्र नहीं होता है जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विकास की बातों का होता है, इस पर आप बताइए। देखिए मनदीप जी, जो मुद्दे हैं आज, देखिए कि जितने भी चरण के मतदान हुए, हर चरण के मतदान में माननीय मोदी जी और भाजपा की यही उद्देश्य था, यही स्ट्रेटजी थी कि मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाना, इसलिए वो तमाम उलझुल बातें करते थे। लेकिन जनता तब भी महंगाई, बेरोजगारी
भ्रष्टाचार, अग्निवीर पेपर लीक की बात करती रही। आज हमारे मित्र कह रहे हैं, राजेश जी आप ही बताइए, माँ गंगा के सामने खड़े होकर लोग कसम खाते हैं सच बोलने की, अमनदीप जी, लेकिन माननीय मोदी जी माँ गंगा के सामने खड़ा होकर झूठ बोल दिए। अब इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है, अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं। आप देखिए गंगा जी की सफाई की बात करने वाले आज भी लगभग 30% से ऊपर जो सीवेज वाटर है बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंगा जी में जा रहा है, आए दिन उसमें मरे हुए जानवर बहते हुए मिलते हैं। तो जो व्यक्ति माँ गंगा के सामने झूठ बोल सकता है, जो व्यक्ति काशी के सामने झूठ बोल सकता है, वो देश के सामने क्या करेगा। आपने कहा, इन्होंने कहा कि गरीब का दुख मोदी जी जाने, अब सोने के चम्मच वाले क्या जाने। आप ही बताइए 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति गरीब का दुख क्या समझेगा, अमनदीप ये बताइए। और तमाम बातें इन्होंने कहा दलितों का वोट जो है भाजपा में जा रहा है, कहां जा रहा है। आप घोसी का उपचुनाव देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी भी इनके साथ थे, सारी मशीनरी सरकारी इनके साथ थी, उसके बाद भी दलित समाज का एक मुश्त वोट हमारे प्रत्याशी को मिला और उनकी पराजय हुई। आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दलित समाज सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाजपा का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये बात का पता है कि 400 सीटें जिस दिन पा जाएंगे उस दिन बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे। इसीलिए दलित समाज एक मुश्त जो है इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल खुल के जा रहा है, 1-2% नहीं खुल के जा रहा है। और अभी इन्होंने इसके अलावा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और क्या क्या इसके पहले वो बोल रहे थे। आज देश में देखिए आजादी की बात से इतना लीगलाइज कितनी सीटें जीतने जा रहा है सर। देखिए ये जब नारा 400 पार, वहीं पे एक इको इफेक्ट गूंजता है 400 हार। बीजेपी ने तो अपना बीजेपी ने तो कह दिया है कि आपकी बात 400 पार। आप लोगों ने कोई ऐसा आंकड़ा सेट किया है? देखिए हम लोग देखिए झूठ नहीं बोलते हैं, इन लोगों के झूठ बोलने पराकाष्ठा, मैंने भी माँ गंगा के नाम लेके बता दिया। हम लोग ये बात बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन कि ये लोग 400 हारने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो 400 हारने जा रहे हैं, लेकिन सर तमाम आप लोगों ने भी तो इंटरनल सर्वे किया होगा ना, आप लोग अभी तो सर्वे कुछ कहता होगा कि कितनी सीटों पर जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। देखिए इंडिया गठबंधन हम लोग नारा तो नहीं देते, लेकिन जो इंटरनल सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से हम लोग 350 से ऊपर जा रहे हैं, 350 से ऊपर है इंडिया गठबंधन जा रहा है। और इनकी जमानत बहुत सारे सीटों में जहां पे मार्जिन थोड़ा सा कम था, वो पुलवामा इफेक्ट था, बालाकोट इफेक्ट था, जो कि ये झूठ का गुब्बार इन्होंने खड़ा किया था, जो कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे शहीदों की चिताओं का फोटो लगा लगा के माननीय मोदी जी वोट मांगना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से देश में एक सेंटिमेंट था अमनदीप जी, उसी सेंटिमेंट्स की वजह से इन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लिया उन्होंने इसमें। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल बौखलाई हुई है, जनता इनसे सवाल कर रही है, आप 5 किलो राशन तो दे रहे हो लेकिन सिलेंडर का दाम आपने 3 गुना कर दिया। अभी आप राशन पर सवाल उठा रहे हो, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया 5 किलो नहीं हम तो 10 किलो देंगे। जब आप लोग जनता के बीच में जाते हैं तो वही जो योजना है उनको आप डबल करके बताते हैं, उसके बाद में आप टीवी चैनल्स पर आप योजनाओं को लेकर सवाल उठाते हैं। अमनदीप जी देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी 10 किलो की बात कर रही है, लेकिन 10 किलो किस वैल्यू पे कर रही है? आप 5 किलो दे रहे हो उसके बदले में आप जनता से क्या ले रहे हो? लेकिन जो इंडिया गठबंधन 10 किलो देगा उसके बदले में सिलेंडर का दाम डबल नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल का दाम डबल नहीं करेगा, हर चीज का रेट डबल नहीं करेगा, हर चीज का दाम हम लोग घटाएंगे उसके बाद 10 किलो देंगे। ये तो एक तरफ से दे रहे हैं, उसके दूसरी तरफ से डबल हमसे जनता से वसूल ले रहे हैं। और देखिए मजे की बात है, इन्होंने कहा कि हम आखिरी पावदान पे खड़े हुए व्यक्ति का ध्यान देते हैं, आखिरी पावदान के व्यक्ति को सिर्फ 5 किलो राशन में बांका रहे हैं, बाकी 16 लाख करोड़। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि इंडी गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है प्रभात जी, मैं आपके नहीं मैं लौट रही हूँ सर, मैंने आपको बोलने का वक्त दिया। प्रभात जी इस बार अगर हम गठबंधन की बात करें तो कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस बार बाकी सारी पार्टियों को भी नुकसान हो सकता है, इस पर आपका आकलन क्या कहता है? और समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर बसपा की बात कर ली जाए तो मुकाबला क्या कई सीटों पर आप त्रिकोणीय भी देख रहे हैं? नहीं देखिए अमनदीप जी, मैं बता रहा हूं कि पूर्वांचल का रण इतना आसान नहीं है जो आसान लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब 11 सीटें जीती थी उस समय एक राजनीतिक परिस्थिति, एक बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्माई चेहरा था। और निश्चित तौर पर अब जो इस बार विपक्ष इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो हुआ है, वो जो परेशानियां हैं जनता के बीच में, देखिए पूर्वांचल में हमेशा एक छोटी छोटी जातियों को लेके वहाँ जातिगत समीकरण है, और जो दलित मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के पास
एक मुश्त था, अब मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में दलित मतदाता बहुत डिसाइडेड है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि क्या, अगर जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि दलित वोटर मेरे पास आ रहा है, अगर दलित का कॉम्बिनेशन कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे नुकसान हो सकता है। लेकिन जो छोटी छोटी जाति के जो पार्टियां थी, जो एनडीए की सहयोगी दल हैं, उनकी भी स्थिति ग्राउंड लेवल पे ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये जो पूरा 13 सीटों का जो आज मतदान हो रहा है, ये निश्चित तौर पे एक त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में है। और मैं मानता हूं कि 11 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी वापस ले लेती है तो ये भी एक उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछले बार 2 सीटें मायावती जीत के 2 सीटें उसने जीती थी। अब घोसी, गाजीपुर, यहां तक कि देवरिया, और जिस तरीके से जाति समीकरण, यहां खुद अनुप्रिया पटेल थोड़ा सा संकट में है, क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया वाला ठाकुर बनाम एक पटेल वहां पे स्थिति हुई, तो ये जो सारी सीटें हैं ये आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, दावा कोई भी कुछ करे कि 80 के 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की स्थिति, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी जब दो लोग एक क्षेत्र में हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए। और राष्ट्रीय लेवल पर अगर चुनाव हो रहा है तो हमें लगता है कि अगर ऐसी स्थिति पे मतदाता जाएगा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पे वोट देना है, हमें स्थानीय समस्याओं पे नहीं देना है, तो वो फिर 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि हमें 13 सीटें लेनी है। लेकिन घोसी और गाजीपुर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, और हर सीट पे कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो एक तरफा जीत रहा है कि कोई बड़ी मार्जिन के साथ वो अपना चुनाव जीतने जा रहा है। बहुत नेक टू नेक फाइट है, और ये आने वाले समय में पता लग जाएगा 5 बजे के बाद, जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेंगी, कि पूर्वांचल का रण क्या योगी आदित्यनाथ के डेवलपमेंट के आधार पे या कानून व्यवस्था के आधार पे वहां मत पड़ा है, या फिर विपक्ष हर अपनी वो बात समझाने में कामयाब हो गया है नीचे स्तर पे, जो इस देश के अंदर समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी संविधान बचाओ की बात हो, चाहे वो आपका जो है अग्निवीर योजना हो, या और भी जितनी भी समस्याएं। प्रभात जी, कह सकते हैं कि पूर्वांचल राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूर टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा कई बड़े चेहरे हैं जो कि पूर्वांचल की सीटों से चुनावी मैदान में हैं। जी, अब चलिए, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि कहीं कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है और विपक्ष लड़ाई में नहीं है, सिर्फ भ्रम में है। राजभर ने कहा है कि 4 जून के बाद में विपक्षी दलों के नेता विदेश भाग जाएंगे, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है ना कहीं लड़ाई है, ये सिर्फ विपक्ष के लोग, आप देखिएगा ना, आप आजकल में बैठक करेंगे विदेश जाने के लिए, अब यहाँ उनको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो सब मान गए हैं कि अब तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से, जो सूबे में योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, उस उन दोनों लोगों के काम से जनता मोदी जी को वोट दे रही है। आपके बेटे अरविंद राजभर भी घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहां का जो जातीय समीकरण है वो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, जितना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है उससे 2.5 गुना ज्यादा वोट विश्वकर्मा लोहार का है, उनसे 4 गुना ज्यादा वोट गोण खरवार का है, उनसे कम से कम बता रहा हूं कि 20 गुना ज्यादा वोट अकेले भर का है, उनसे 15 गुना ज्यादा वोट चौहान का है। ये कहां लड़ाई में है, भरम में है। जितना वोट उनको मुसलमान देगा उतना दबा देगा रतनपुरा में सदर में ना, राजभर खाली दबा देगा तो फेचकूर आ जाएगा। अच्छा, चौहान राजभर और निषाद को अभी नहीं जानते हैं, ये जब पानी में हीड़ देते हैं ना तो मुंह बा देते हैं लोग, जो पनिया में रहते हैं ना वो मुंह बा देते हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है कितनी आप लोगों को मिल रही है? 80 की 80 जीतेंगे। और देश में? देश में 4 जून को 4 बजे 400 पार आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सीएम योगी ने लोगों से वोट देने की अपील, और प्रधानमंत्री मोदी को मोदी की ध्यान साधना पर सवाल उठाने वालों पर भी तीखा हमला किया है, क्या कुछ कहा है सीएम ने? मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना या आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में
वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत के 140 करोड़ जनता की जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए सपा उम्मीदवार काजल निषाद पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री के ध्यान पर सवाल उठाने वालों को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। रोना नहीं पड़ता, अगर कुछ किए होते 5 साल में तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। आदमी रोता होता है, सब काम करोगे तो आपको रोना नहीं, जब आप काम करोगे तो आपको रोना नहीं है। निषाद के नाम पर आप उन भोली जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आके चंदा लूटना, फिर 5 साल गायब हो जाना हर बार चुनाव। हाँ, देखा थे लेला तो वही प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कांग्रेस लगातार अटैकिंग कर रही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच होता है, जैसे आप ही के शरीर में भूत होगा, आत्मा होगी, तो आप हमारा भगवा या रुद्राक्ष देख के छटपटाने लगोगे क्योंकि आपके अंदर एक पिशाच होगा। विपक्षियों में भूत प्रेत पिशाच, उनमें आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, या तो मोदी जी के पद चिन्हों में आना चाहिए, या मोदी जी जहाँ गए साधना में वहाँ उनको बैठना चाहिए। सब ये सब भूत, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, जो जैसे भगवा दिखा दे तो आत्मा लोग नाचे लगन। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्याकुमारी से तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या साधना मेडिटेशन जारी है, 45 घंटे की ये साधना। और एक तरफ 13 सीटों पर यूपी के साथ ही देश भर की 57 सीटों पर मतदान जारी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं और उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 45 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अन्न का त्याग किया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, समुद्र के किनारे भी उन्होंने मेडिटेशन किया, ओम का उच्चारण की तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा 45 घंटे तक सिर्फ नारियल पानी और अंगूर का रस का सेवन ही करेंगे पीएम। इसके अलावा मौन व्रत भी प्रधानमंत्री ने रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साधना में लीन है और दूसरी तरफ आखिरी चरण का मतदान जारी, आज शाम को ये साधना पूरी हो जाएगी। और ये तस्वीरें आपको कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं, आप देखिए कुछ समुद्र के तट पर बैठकर उन्होंने ध्यान साधना की, ओम का उच्चारण भी किया, उससे पहले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए भी पहुंचे। और ये वही शिला है जहां पर विवेकानंद बैठकर ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, आज उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं।